टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। ठाणे महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम की तस्वीर को फ्रेम करके विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने अपने कार्यालय में लगाया। आपको बता दें कि टीएमसी के विरोधी पक्ष कार्यालय में जहां पहले से ही कई स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पार्टी के बड़े नेताओं की तस्वीर लगी थी, मगर सानू पठान ने यहाँ पर देश के पहले शिक्षा मंत्री व स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम की तस्वीर भी लगा दी है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सिद्धार्थ बिग बॉस 13 के विनर भी थे। बताया जा रहा है कि रात के समय सिद्धार्थ सोने से पहले दवाइयां खाई थी, मगर उसके बाद से वो उठे नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट अटैक से सिद्धार्थ की जान गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर सिद्धार्थ की मौत कैसे हुई है। मुंब्रा पुलिस ने 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड ने बताया है कि अरबाज शेख उर्फ बीड़ी इसके पास से 117 कफ सिरप और उजेफा अली हुसैन उरनवाला इसके पास से 110 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही ठाणे के वर्तक नगर के प्यारे लाल यादव चाल में रूम नंबर 6 पर नारियल का झाड़ गिर गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी पहुंच गई और हादसे में विनोद रामधनी, जयसवाल 44 वर्ष, पूजा 22 वर्ष, आदित्य 9 वर्ष, इन तीनों लोगों के सर में मामूली रूप से चोट लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। मुंबई के एक मछुआरे की रातों रात किस्मत बदल गई और ये मछुआरा करोड़पति बन गया। मछुआरा चंद्रकांत तरे की जाल में 157 घोल मछलियां फंस गई। इन मछलियों की नीलामी करीब 1,33,00,000 रुपए में हुई है। मछलियों का इस्तेमाल दवा बनाने से लेकर कॉस्मेटिक बनाने तक में इस्तेमाल किया जाता है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।